हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं सरोन गोस्वामी। आज हम आप लोगों के साथ क्लास 10 साइंस का कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल शेयर करने वाले हैं, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में 7 नंबर का पूछा जाता है। अगर ये न्यूमेरिकल पूछे गए तो 7 नंबर आपका क्लियर करा देंगे। लॉन्ग न्यूमेरिकल है जो आप लोगों को देखना जरूरी है। फर्स्ट मैटर आपको पढ़ाई करना है। आप लोगों का जो भी यूपी बोर्ड एग्जाम के स्टूडेंट हैं, जितने भी यूपी बोर्ड एग्जाम के स्टूडेंट हैं, आपका जो है ना बोर्ड एग्जाम कैंसिल होने वाला नहीं है, ये आप लोग समझ लो। अभी मैं आपको बता देता हूं, क्योंकि आप लोग पढ़ाई नहीं कर रहे हो। बहुत सारे स्टूडेंट केवल अब निद्रक हो चुके हैं कि अब यूपी बोर्ड एग्जाम का एग्जाम नहीं होगा। आपका 101% यूपी बोर्ड एग्जाम होगा, और आप लोग देख लेना, आपका एग्जाम चालू हो जाएगा। जून से चालू होगा, 20 मई के बाद 1 तारीख से जून से चालू होगा। और आप लोग स्टडी नहीं कर रहे हो बच्चों, कर लो, क्योंकि आप लोगों के पास समय नहीं है। अगर आप लोग सोचो एक बार, आज अप्रैल चल रहा है, जितना भी तारीख हो, अगर आप लोग एक दिन में मतलब एक चैप्टर दो दिन लगाते हो, तो आप लोग पूरा मई पढ़ोगे तब कहीं खत्म होगा। अब आप लोग पढ़ नहीं रहे हो तो भाई ऐसी बात नहीं है कि आप लोग फेल हो जाओगे। अगर आप बिल्कुल नहीं पढ़ रहे हो तो स्टूडेंट कम से कम 2-4 घंटे तो दो ही अपने एजुकेशन पर, ठीक है। जो जो वीडियो अपलोड किया जाता है उसे देखो, क्योंकि देखना जरूरी है। अगर आप लोग मेहनत नहीं करोगे भाई तो बिल्कुल फेल हो जाओगे, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है। क्योंकि यही 2-3 महीने बचे हैं, एक या दो महीने। अगर आप इसी में पीछे जितना भी पढ़े हो ना, भूल जाओगे और फिर वही कुछ नहीं आएगा। तो बच्चों जो पीछे पड़े उसे बार बार रिवाइज करो, कि आप कम से कम यार 90% तो अचीव कर ही लो, ठीक है। इतना तो सपना होना चाहिए, क्योंकि आपको गवर्नमेंट ने काफी ज्यादा मौका दे दिया है अच्छे परसेंटेज लाने का। कितने आपको लगभग 1 साल का मौका, 1 साल सीधे पढ़ते चले आए हो, अभी भी मौका देते जा रही है। तो भाई अब तो मौके हैं, आप लोग नहीं ला पाओ तो आप लोगों की कमी है। आपके माता पिता सोच रहे होंगे कि मेरा बेटा पढ़ रहा है, वो बहुत नंबर ला सकता है, क्योंकि उसे बहुत ज्यादा मौका मिल चुका है, ठीक है। तो अगर आप लोग नहीं पढ़ रहे हो तो भाई आप लोगों की गलती है। आपके माता पिता ने आपका फीस भी जमा कर दिया है, अभी भी फीस देने भी है। आपके माता पिता कहीं से भी कमा करना है, चाहे जहां से, लेकिन उन्होंने फीस देना है, वो तो स्कूल वाला लेगा ही, ठीक है। जैसा कि कोरोना वायरस में इतने दिन बोर्ड जो स्कूल थे वो बंद थे, लेकिन हमारे इधर केवल 2 महीने का या 1 महीने का माफ हुआ है, 2 महीने का, ठीक है, जबकि बहुत दिन तक बंद थे स्कूल, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। अब भाई आप लोगों को थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो पढ़ना स्टार्ट कर दो। देखो स्टूडेंट, देखो क्लास 10 साइंस महत्वपूर्ण न्यूमेरिकल जो बोर्ड एग्जाम में आएंगे वही बताने वाला हूं, जो बार बार पूछा गया है। 101% अगर आएगा तो ये न्यूमेरिकल जरूर आएंगे, लेकिन इसमें मैं आपको ज्यादा न्यूमेरिकल नहीं बताऊंगा, लेकिन फिर भी ये बोर्ड एग्जाम में पूछे जरूर जाएंगे, ठीक है। फर्स्ट मैटर तो ये है। सेकेंड मैटर ये है स्टूडेंट, कि अगर आप लोग कमजोर छात्र के लिए वरदान के समान है, कमजोर छात्र जो न्यूमेरिकल नहीं लगाना चाहते वो जरूर इन सबको लगा लो। अंत तक देखें, अंत तक वीडियो को देखो, बीच में आपकी खुशखबरी भी मिल सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस न्यूमेरिकल्स को। देख सकते हो काफी लॉन्ग है और काफी लॉन्ग लगाना भी पड़ेगा आप लोगों को, तो भैया आप लोग जरूर ध्यान से देखिए, ठीक है। देखो लिखा हुआ है, 1 मीटर लंबाई के एक धारावाही चालक में 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। कितनी? 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, धारा 1 एम्पियर है। इसे 2 न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर विद्युत चुंबकीय क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र किसे? वी से प्रदर्शित किया जाता है, में रखा गया है। धारावाही चालक पर कार्यरत बल की गणना करो, जो बल होता है उसकी गणना करनी है, ठीक है। अब देखो, पहला चालक क्षेत्र के लंबवत हो, जब चालक क्षेत्र के लंबवत हो तो क्या होगा? सेकंड है, जब चालक क्षेत्र के समांतर हो तो क्या होगा? थर्ड, तो आपका 60 डिग्री दिया हुआ है। बहुत सारे बच्चों को दिक्कत होता है, जब लंबवत हो तो कितने डिग्री का कोण बनेगा और जब समांतर हो तो कितने डिग्री का कोण बनेगा। अभी आपका ये कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। देखो आपको मैं बता दूं, जैसे एक आपका ये आधार तो रहेगा, जैसे पृथ्वी आधार है, ये आपका रहेगा, ठीक है। फर्स्ट मैटर, लंबवत का अर्थ होता है लंबा, लंब लंब लंब, देखे हो लंब, तो लंब ऐसे तो होता है ये, ऐसे तो लंब होता है ये, लंब होता है कि नहीं? लंब होता है। अब बताओ इनके बीच कितना एंगल बना, कितना एंगल बना, आप नाप भी सकते हो, 90 डिग्री का, ठीक है। सेकंड, ये आपका लंबवत होता है, लंब डाल दो बस, वो लंबवत हो गया, ये लंब डाल दो, ये वाला लंब बस वो लंबवत। अब समांतर का बात होता है, समान अंतर, मतलब जैसे एक लाइन ये है, अब इसके बीच समान अंतर हो, ये
इसके समांतर हूं। अब इनके बीच कितने डिग्री का कोण बना, नाप लो भैया, समांतर चीजों को नाप लो, तो ये आएंगे आपके जीरो डिग्री का कोण। जीरो डिग्री का कोण क्या आएगा, जीरो डिग्री का कोण, ठीक है, समझ में आया। तो अब आपको लंबवत और समांतर में कभी दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है, और समांतर इन दोनों में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब मैं आपको न्यूमेरिकल समझाता हूं। देखो बच्चों, समझ में आया, एक आप लोगों को मैंने सूत्र पढ़ाया था, इसमें पहले जो दो दिया हो उसे लिख लो, ठीक है। जैसे यहां क्या क्या दिया है, इसमें लंबाई दी हुई है, नहीं लंबाई दी हुई है, एक मीटर की लंबाई देख लो, ऊपर देख लो, एक मीटर की लंबाई दी हुई है। तो यहां एल दिया हुआ है, एल, एल आप लिख लो भैया, एल लिख लो, कितना दिया हुआ है एल, एल आपका दिया हुआ है एक मीटर, अर्थात ये लंबाई एक मीटर है, ठीक है। सब चीज देख लो, इसमें आपका एम्पियर में दिया हुआ है, यानी कि धारा आई, आई बराबर भी दिया हुआ है कितना, एक एम्पियर, एक ई एम पी, एंड आपका क्या और दिया हुआ है, हाँ बी, चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र भी दिया हुआ है दो न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर, ये दिया हुआ है, इसका मात्रक है। एंड आपका और भी चीज नहीं दी हुई है, थीटा तो दिया हुआ है, वो तो अभी नहीं लिखोगे क्योंकि हमें तीन जगह ज्ञात करना है और हर जगह बल ज्ञात करना है, बल की ही गणना करनी है। आप लोगों ने एक सूत्र पढ़ा होगा, क्या पढ़ा है, एफ बराबर आई वी एल साइन थीटा, ठीक है, एफ बराबर आई वी एल साइन थीटा, यह है धारावाही चालक पर चुंबकीय क्षेत्र का सूत्र। लेकिन जब लंबवत हो, फर्स्ट स्टेप आप लोग लगा लो, फर्स्ट स्टेप, इतनी चीजें दी हुई हैं। पहला देखो, पहला आपका क्या है, यहां क्या पूछ रहा है, जब लंबवत हो, तीनों स्टेप ज्ञात करना है, तो जब चालक लंबवत हो, तो यहां आप लोगों को लिखना है, पहला स्टेप आप लोग डाल दो एंड यहां लिख दो, क्या लिखना है आप लोग जान जाओ, यदि नहीं, यदि लिखो यार, यदि नहीं, यदि शुरू करते हैं, यदि धारावाही चालक, धारावाही चालक, धारावाही चालक चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत हो, क्षेत्र के लंबवत हो, लंबवत हो, तो क्या होगा। देखो बच्चों, यहां आप लोग इतनी एल दिया हुआ है, आई दिया हुआ है, बी दिया हुआ है, और ये चीज ज्ञात करना है, तो इससे भी आपके दिमाग में अगर सूत्र पढ़ेंगे तो कुछ मामला आया होगा। एफ बराबर आई वी एल साइन थीटा मैंने पढ़ा है, तो आएगा जरूर आपके माइंड में, तो एफ बराबर आई वी एल साइन थीटा। अब आप लोग देखो, एफ बराबर आई का मान है एक, वी का मान है एक, और L का मान है, नहीं B का मान दो है, और L का मान है एक। इतनी चीजें आपको याद होनी चाहिए। और साइन 90 डिग्री का मान कितना होता है, साइन 90 डिग्री लिख लो, फिर बताते हैं। मैंने एक ट्रिक में बताया था पूरा मान याद करना, और आप लोग याद कर सकते हो। साइन 90 डिग्री का मान होता है बच्चों कितना होता है, 1। तो F बराबर कितना आएगा, अगर उसके लंबवत हो तो कितना आएगा, 2 न्यूटन भैया, न्यूटन इतना आएगा जब आपका लंबवत हो, तब की ये बात है, जब आपका लंबवत हो। कोई दिक्कत नहीं होगा क्योंकि आप लोगों को समझ में आ गया। ये पहला, जब लंबवत होती है तो 90 डिग्री का कोण बनाती है। दूसरा समझ लो स्टूडेंट, दूसरी स्टेप, जब समांतर हो तब की बात कर लेते हैं, यदि धारावाही चालक चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र के समांतर हो, के समांतर हो, ठीक है, समांतर होने का अर्थ है जब वो समांतर हो तब भी आपको यही सूत्र लगाना है। लेकिन बच्चों यहां मैं आपको एक चीज बता देता हूं, साइन थीटा यहां समांतर है, यहां आपका थीटा बराबर 90 डिग्री रखना था, यहां थीटा, थीटा बराबर 90 डिग्री,
लेकिन यहां थीटा बराबर आपको रखना है 0 डिग्री। क्यों? क्योंकि ये समांतर है। तब अब आप यहां मान रखो या ना रखो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हम एक बार रख लेते हैं, लेकिन मान रखो या ना रखो लेकिन एक बार रख देते हैं। यहां एफ बराबर आपका आई है 1, वी है 2, एल है 1 और ये साइन 0 डिग्री। अब 0 डिग्री के वैल्यू कितनी होती है? 0। तो अगर यहां आप देखो एफ बराबर यहां 1 into 0, अब 0 से जो टकराएगा 0 के बराबर हो जाएगा। तो ये आप लोगों ने डायलॉग सुना होगा एफ बराबर 0 न्यूटन। अगर कोई भी चीज हो, चाहे बल निकालना हो चाहे जो, अगर वो समांतर होंगी तो वो आपका 0 के बराबर हो जाएंगी। क्यों? क्योंकि 0 से अगर गुणा करोगे किसी भी अंक में तो वो 0 के बराबर हो जाता है। थर्ड मैटर अब आप लोगों को मैं समझा दूं। थर्ड मैटर में क्या कह रहा है, थर्ड मैटर आप लोग समझ लो, जब 60 डिग्री, कोण कितना हो 60 डिग्री का हो, जब कोण 60 डिग्री का हो अर्थात यहां थीटा बराबर 90 डिग्री हो, सॉरी 60 डिग्री, ये ऑलरेडी दिया हुआ है, लंबवत वंबवत नहीं दिया हुआ है, यहां सीधा दे दिया है। तो बच्चे पार्टी अब तो और भी आसान हो गया, जब आपको दे ही दिया है तो एफ बराबर आप लोगों ने पढ़ लिया आई वी एल साइन थीटा, ये तो आप लोगों ने पढ़ लिया। तो अब आप क्या दिक्कत है यार, ये बराबर आई का मान है 1, वी का मान है 2, एल का मान है 1 तथा साइन 60 डिग्री यहां रख दो। साइन 60 डिग्री, अब साइन 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है यार? अब आपको दिक्कत हुआ ना? कुछ नहीं दिक्कत है यार, मैंने आपको बताया है याद करने का ट्रिक, इन सबको गुणा करोगे 2 के बराबर हो जाएगा और यहाँ √3/2 होता है, यहाँ कट हो जाएगा और एफ बराबर √3 और √3 का मान होता है 1.13 न्यूटन। ये लिखो या लिया लिखो, उत्तर इसे भी लिख सकते हो। तो ये लॉन्ग क्वेश्चन का न्यूमेरिकल है, समझ में आ गया हो तो अच्छी बात है, नहीं समझ में आया हो तो वीडियो को दोबारा पीछे कर सकते हो। चलिए अब देखते हैं दूसरा नंबर न्यूमेरिकल, इसको आप लोग नोट कर लो, बहुत अच्छा है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए हम लोग देखते हैं दूसरा न्यूमेरिकल, नोट कर लेना, वीडियो को पीछे करके प्यूज करके देख सकते हो। चलिए दूसरा न्यूमेरिकल, ये आपका 7 नंबर में ये भी पूछा जा सकता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, हार्ड न्यूमेरिकल है, आप लोगों को फंसा सकता है बोर्ड एग्जाम में, सर आपका ये सर्किट वाला है और आप लोगों को समझ में नहीं आएगा अगर नहीं समझोगे तो। भैया ध्यान से समझ लो, ठीक है, ताकि आप लोगों के बोर्ड एग्जाम में आए तो आप आसानी से लिख सको और आसानी से कर सको। देखो बच्चे बाटी, देखो आपके पास एक सर्किट है जिसमें ये 3 प्रतिरोध है जो कि समांतर क्रम में लगे हुए, R1 R2 R3 समांतर क्रम में है और यहाँ R4 R5 भी समांतर क्रम, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ एक आपका चाबी लगा हुआ है, प्लस माइनस ये सब लगे हुए हैं और यहाँ AB है, इसमें केवल आपको तुल्य प्रतिरोध R ज्ञात करना है। तुल्य प्रतिरोध R आपको कई स्टेप में ज्ञात करना पड़ेगा, पहले इन तीनों को समांतर लेना पड़ेगा, इन तीनों को समांतर, फिर इनको आपको जो संयोजन क्रम में लेना होगा, मतलब श्रेणी क्रम में, फिर आपका आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो लेकिन आप लोगों को मैं लगाना समझाना पड़ेगा तब आप लोग समझ पाओगे। देखो चपाटी, ये R1 प्रतिरोध है, R2 R3 ये तीनों क्या है, समांतर क्रम में है, क्योंकि एक दूसरे के समांतर, मैंने कहा अभी कि अगर ऐसे हो तो एक दूसरे के समांतर होती हैं और अगर इस टाइप से होती हैं तो लंबवत होती हैं, लेकिन यहाँ समांतर और श्रेणी का बात होता है, श्रेणी मतलब इस टाइप से ऐसे जुड़ना, ठीक है, बस आपको समझ में आ गया R1 R2 R3 समांतर क्रम में है। माना इधर रख दे, नहीं जगह नहीं है, अभी रखेंगे, माना R1 R2 तथा R3 प्रतिरोध, ये सब क्या हैं, प्रतिरोध हैं जो धारा के मार्ग में बाधा उत्पन्न करती हैं, ठीक है, प्रतिरोध समांतर क्रम में हैं, समांतर क्रम में लगे हैं, ठीक है। तब आपको देखो, अभी आपका यहाँ तुल्य प्रतिरोध नहीं निकलेगा, अभी इन तीनों के बीच निकलेगा, इसे भी जब साथ दोगे तब आपका तुल्य प्रतिरोध निकलेगा, ठीक है। तो फिर अब आप लोग यहाँ R ना नाम दो तो ज्यादा अच्छा है, R' नाम दे दो तो ज्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। तो यहाँ आप R' नाम दे दो, 1/R' बराबर कितने लोग हैं, 1/R1 है प्लस 1/R2 है प्लस 1/R3 है, सीधा लिखा हुआ है, तो 1/R'
बराबर वन अपान आर वन कितना है और वन अपान आर टू और वन अपान आर थ्री। देखो स्टूडेंट समझना ध्यान से, यहां आपको अब मैं बता देता हूं, यहां आर वन कितना दिया हुआ है, ये है आपका 15 ओम। यहां मैं लाइन से लिख देता हूं, अभी मैंने नहीं लिखा है। आर वन बराबर है आपका 15 ओम, ठीक है। अब ये आर टू मैंने इसलिए नहीं लिखा है क्योंकि जगह नहीं था स्टूडेंट। आर टू बराबर है 10 ओम, ठीक है। आर थ्री आपका बराबर है, आर थ्री 30 ओम, और आर फोर, आर फोर बराबर है 5 ओम, और आर फाइव, आर फाइव बराबर है 20 ओम, ठीक है। इसमें आपको परिपथ में प्रतिरोध की गणना करनी है, ठीक है। अगर प्रतिरोध ज्ञात हो जाए तो धारा भी ज्ञात हो सकता है, लेकिन अगर इसमें V दिया हुआ है, V भी दिया हुआ है, चलो इसमें धारा की भी गणना कर लेंगे। V बराबर दिया हुआ है 18 वोल्ट, ठीक है, सब पता लग गया। तो R1 की जगह पर आप क्या रखोगे, 1 अपान 15 रखो, और प्लस सॉरी ब्लैक है ये ब्लू। अब R2 के स्थान पर रखोगे 10 ओम, 1 अपान 10, प्लस आर थ्री कितना है 30 ओम, तो 1 अपान 30। अब इससे आपको सॉल्व करना है, इसका वैसे भी आपका एलसीएम आएगा 30 ही आएगा, और ऊपर आपका हो जाएगा 15 दूना 30 10 33 30 सेकंडम 30, तो यहां हो जाएगा 6 अपान 30। इसे आप काटोगे तो 1 अपान 5 आएगा। अब इसे पलट लो, क्योंकि 1 अपान r डैश लिखा हुआ है, तो यहाँ r डैश बराबर करोगे तो 5 आएगा, या फिर क्रॉस मल्टीप्लाई भी करा सकते हो, ये ओम है। लेकिन अभी हमें ये निकला है ये, अब r4 और r5 को ले लो भाई समांतर क्रम में, ठीक है। अब आपको लेना है क्या, माना r4 तथा r5 प्रतिरोध समांतर क्रम में लगा है, लगा है, फिर वही सूत्र लगा लो, यहां R डैश लिखे तो यहां R डबल डैश लिख लो, बराबर R4 है प्लस R5 है, ठीक है। अब R4 आपका दिया हुआ है कितना ओम दिया हुआ है, 5 ओम, और R5 20 ओम, ठीक है। तो यहां 5 लिख लो 20, 1 अपान 5 R, 1 अपान 5 प्लस 1 अपान 20। अब यहां अगर R डैश करोगे, यहां ऊपर R डैश लगाना है, हटाओ, ठीक है। तो यहां आपको लिखना पड़ेगा, इसका एलसीएम ले लो 20, बट्टे आपको यहां आएगा कितना 5 4 एंड 5 20 कंडम 20, यानी कि 5/20, यहां 1 अपान 4 आएगा। और अगर आप इसे पलट लोगे तो आपका आएगा R डैश, अक्रॉस करा सकते हो, R डैश बराबर 4 ओम, ठीक है। अब समझो, ये दोनों तीन समांतर, ये तीन समांतर, अब जब इन्हें यहां कहीं प्रतिरोध मिलेगा और इन्हें ऐसे क्रम में यहां कहीं मिलेगा यहां, तो ये दोनों अब श्रेणी में लग गए ना, ये दोनों ऐसे, तो अब श्रेणी में कौन कौन आए, जो आपने न्यू निकाला है, जो नए निकाले हो वो श्रेणी में आ गए। जैसे आपका यहां R बराबर 5 ओम और यहां R डबल डैश बराबर कितना आया 4 ओम, अब ये दोनों क्या हो गए भैया श्रेणी क्रम में। अब यही ज्ञात कर लो, फिर आपका आंसर आ जाएगा, कैसे आप इसे ज्ञात कर सकते हो। अब यहां आपको क्या करना है, अब अतः जो R डैश है तथा R डबल डैश है श्रेणी क्रम में है, श्रेणी क्रम में है। अब यहां R आप लोग लिखो R, क्योंकि हमें प्रतिरोध R से डिनोट करना है, तो R बराबर R डैश प्लस R डबल डैश। अब देखो बच्चों, बहुत इजी हो चुका है, अब R बराबर 5 आपका ऊपर था, 4 ये नीचे है, तो अगर आप कुल बताओ कितना होगा,
बस बहुत अच्छा, आपका मैथमेटिक्स बहुत तेज है, इतना आपका आ जाएगा बच्चों पूरा प्रतिरोध 9 ओम, आपका कितना आएगा 9 ओम इज योर आंसर कंप्लीटली। तो इतना बड़ा लगाने के बाद आपका पूरा आंसर आएगा, क्योंकि ये न्यूमेरिकल्स आपके बोर्ड एग्जाम में लॉन्ग में पूछे जाते हैं, तो लॉन्ग वे से आपको सॉल्व करना होगा। धारा ज्ञात करना है, वोल्ट कितना दिया हुआ है, वी 180 वोल्ट। अगर 180 वोल्ट दे ही दिया है तो ओम के नियम से आप जानते हो आई बराबर बी अपान आर या बी बराबर आई आर, तो वोल्ट दिया हुआ है 180 एंड ये दिया हुआ है बच्चों, ओ सॉरी चलो 180 दिया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है, और ये दिया हुआ है 9 9 2 18, तो ये आ जाएगा 20 वोल्ट। अगर यहां 18 दिया होता तो 2 वोल्ट आ जाता, कहीं कहीं 18 भी दिया हुआ है, कहीं 20 मतलब 180 दिया हुआ है, तो यहां आएगा आपका, बस बहुत अच्छा यार, आप लोग कंप्लीटली जीनियस हो, तो अच्छी बात है ना, समझ में आ गया ना, कोई दिक्कत कोई भी कंफ्यूजन यार कमेंट कर सकते हो, और आप लोग यार जल्दी से वीडियो को शेयर कर दो, जो जो भी स्टूडेंट सोच रहे हैं बोर्ड एग्जाम कैंसिल होगा यार मन से हटा दो यार, क्योंकि आपका बोर्ड एग्जाम होगा और जल्द ही आपका टाइम टेबल भी आ जाएगा। तो भैया वीडियो को लाइक कर दो, जितने बच्चे सोच रहे हैं निधरक बैठे हुए वो भी अब पढ़ना स्टार्ट कर दो, आप 5 ही घंटे पढ़ो दिन में लेकिन पढ़ना स्टार्ट कर दो, क्योंकि पढ़ाई इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर योर जॉब। अगर आपको जॉब लेना है, यूपीएससी की तैयारी करना है, आईएएस बनना है, पीसीएस बनना है, तो भाई उसके लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा। कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं जो भाई 24 घंटे में आईएएस पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, 20-20 घंटे पढ़ रहे हैं, आप अगर 5 भी घंटे नहीं पढ़ सकते हो तो ऐसे सपने क्यों देखते हो बताओ, ठीक है, सपने देखो जो आप पूरा कर लो, ठीक है। तो भाई अगर आपको ये भी सपना पूरा करना है तो आपको पढ़ना पड़ेगा, तो आप लोग पढ़ो, जी लगा के पढ़ो, आप आगे के लिए पढ़ो, लेकिन आप लोग बोर्ड एग्जाम को भी आपको देना है, ये तो 100% है होगा, तो अब आप लोग बोर्ड एग्जाम के लिए तो पढ़ो, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में अगर कम नंबर आए तो गाँव में भी आपकी बेइज्जती होगी और दोस्त भी आपके मजे लेंगे, ठीक है, मम्मी पापा भी गुस्से में हो जाएंगे कि एक साल सीधा हमारे बच्चे ने तैयारी किया और रिजल्ट क्या आया, ये 60%, ठीक है। तो भाई थोड़ी कड़वी लगे तो भी आप लोग सह लेना, क्योंकि कड़वी बात ही आपको आगे ले जाती है, जग जो संसार है जिस जिस पर हंसा है उसी ने इतिहास रचा है, ये तो आप लोग जानते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।